कश्मीर में हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने राजनीतिक मतभेद अलग रखते हुए कश्मीर मामले पर पाकिस्तान या फिर किसी भी अन्य देश की दखल को बर्दाश्त न करने की बात कही है। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल से लगातार दो ट्वीट कर कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में सरकार से कई मुद्दों पर मतभेद की बात कही। इसके साथ ही दूसरे देशों को कश्मीर से दूर रहने की सलाह भी दे डाली। वहीं राहुल ने दूसरा ट्वीट करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया और उसे आतंक का समर्थन करने वाला देश बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राहुल गांधी के नाम का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने भी घाटी के हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं। इस खत में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 टीवी।